नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के बूम में। मैं हूँ राकेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मुख्य टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक डीजी से रिलेटेड है कि डीजी में हम कूलेंट क्यों डालते हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि भाई डीजी में हम कूलेंट क्यों डालते हैं, पानी क्यों नहीं डालते। तो इसके जो मुख्य कारण, दो कारण हैं इसके जो हम डीजी में कूलेंट डालते हैं। क्या होता है कि फ्रेंड्स, अगर हम पानी डालेंगे, अगर डीजी में हम पानी डालेंगे तो पानी से क्या है कि जो हमारी डीजी की जो लाइन होती हैं उनमें मेटल के साथ जो पानी होता है वो रिएक्शन होता है, मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो उससे क्या है कि उसमें कोरोजन लगने का खतरा रहता है, जंग लगने का खतरा रहता है। तो एक तो मैं ये कारण हो गया। दूसरा होता है जो हमारा पानी होता है उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जम जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो भाप बन के उड़ जाता है। अगर हम पानी डालेंगे तो हमारा डीजी में पानी भाप बन बन के उड़ता रहेगा तो हमें दिक्कत आएगी, उसके बाद डीजी का हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो कूलेंट में क्या होता है कि इसमें -60 डिग्री तक ये हमारा कूलेंट जमता नहीं है। और दूसरा, जो कूलेंट है मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो एक ये रीज़न हो गया। एक और होता है कि कूलेंट हमारा होता है जल्दी ठंडा भी हो जाता है और गर्म जल्दी नहीं होता, लेकिन पानी गर्म बहुत जल्दी होता है और ठंडा बहुत देर में होता है। तो इसी दो रीज़न हैं इसके जो हम डीजी में कूलेंट डालते हैं। तो दोस्तों, डीजी में जो हमारे कूलेंट पड़ते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पिंक कलर का, गुलाबी कलर, एक होता है ग्रीन हरा कलर। तो जो क्यूमिंस के जितने भी डीजी होते हैं, डीजल जनरेटर, उसमें पिंक कलर का डालते हैं। और जो आपके अदर हो गए, जैसे एफजी विल्सन हो गया और कैटरपिलर का हो गया, तो इन डीजियों में, महिंद्रा का, इनमें ग्रीन कलर का डालते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।